T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में खेला जाना है। और अब T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस टीम को मिलने वाली है जिसको इसकी बहुत सख्त जरूरत है। टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराकर और ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके 2024 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लिया। इसके बाद में सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 2022 के T20 वर्ल्ड कप का भी बदला पूरा कर लिया। अब टीम का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका से होना है, लेकिन टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका से कोई भी पुराना हिसाब बाकी नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। तो जिस तरह से टीम इंडिया को 11 साल से ट्रॉफी का इंतजार है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका को भी ट्रॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतते ही कुछ खिलाड़ियों का सपना पूरा हो जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का यह सपना था कि वह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ अलविदा कहें, और जैसा कि सभी को पता है कि यह T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, और हो सकता है कि आज का T20 मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी मैच हो। टीम इंडिया ने लास्ट बार ICC ट्रॉफी 2013 में जीती थी, उस समय टीम ने MS धोनी कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। उसके बाद में टीम 2015 में सेमीफाइनल में बाहर हो गई। इसके साथ ही 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में टीम के पाकिस्तान के हाथों फाइनल में हार मिली। 2019 में भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली। इसके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी, और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार मिली, और इसी के साथ 2024 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली। तो इस तरह से टीम इंडिया को पिछले 11 सालों में बहुत ही जख्म दिए हैं, और आज का T20 वर्ल्ड कप जीतते ही टीम उन सब पर मरहम लगाने का काम करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।